नमस्कार दोस्तों, अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया एक बड़ा ही झटका। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और भीम आर्मी संगठन के कई दिग्गज नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी हां मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में मायावती ने बैठक करके ऐलान कर दिया था और अपने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए थे कि अपनी बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से तमाम बहुजन समाज के नेताओं को, और आपको बता दें कि जो अन्य पार्टी में बहुजन समाज के नेता हैं, एवं तमाम लोगों को सदस्यता दिलाई जाए बहुजन समाज पार्टी की। तो आपको बता दें कि ऐसा ही हो रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद को सदस्यता अभियान ने एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रशेखर आज़ाद के संगठन भीम आर्मी के नेता और उनकी आजाद समाज पार्टी उसके नेता आपको बता दें कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को 2024 के चुनाव में झटका लगेगा और आपको बता दें कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उनके हाथ मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। वो लगातार दिल्ली में तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रही हैं। आपको बता दें कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ वो मिलजुल कर बैठकें कर रही हैं, लेकिन उनका जो सदस्यता अभियान चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उससे जो बड़ी खबर है वो यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और उनके संगठन के कई सैकड़ों नेताओं ने अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जो कि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है। और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में इससे बड़ा असर होगा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को, क्योंकि आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो अभी नई है और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं जो नई पार्टी के हैं, तो उससे चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं झटका लगेगा। आपकी क्या राय है कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।